Hello students, welcome to the JEE Main webinar of Straight Line. Myself Faz Akhtar, Senior Maths Faculty at Vidya Mandir Classes, and I have been associated with Vidya Mandir Classes for past 7 years. So without wasting much time, let us start with our session. So before starting with the Straight Line, let us take a brief view of the syllabus. क्या क्या syllabus में है, and I have taken this syllabus from the official NTA website. तो पहले देख लेते हैं syllabus में क्या क्या है, क्या क्या JEE Main expect करता है हमसे इस topic में, इस straight lines के अंदर. तो देखो, एक तो इसमें वही है, कार्टिशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन अ प्लेन, 2D प्लेन में, वो x कॉमा वाई, जो किसी भी पॉइंट को आप 2D प्लेन में ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई से आइडेंटिफाई करते हो. x इज द एक्सिस या x कोऑर्डिनेट, and it represents algebraic distance from y-axis. फिर y coordinate होता है किसी भी point का, 2D में वो y coordinate, coordinate भी बोलते हैं, वो क्या represent करता है, algebraic distance from x-axis, not y-axis. फिर distance formula, section formula भी है syllabus में. फिर locus and its equation, translation of axis, slope of a line, parallel and perpendicular lines, intercept of a line on the coordinate axis. फिर यहाँ पे हम देखेंगे straight lines की definition, फिर various forms of equation of a line, intersection of lines, angle between two lines, right? Condition for concurrence of three lines, distance of a point from a line, equation of internal and angle bisector of angle between two lines, coordinates of centroid, orthocenter and circumcenter of a triangle, equation of family of lines passing through the point of intersection of two lines. So ye official JEE Main ka syllabus hai straight lines ka. Aur chalo start karne se pehle ek trend analysis kar lete hain. Maine past 5 years ke questions yahan pe analyze kar raha hu main. तो 2020 में जो इस साल हुआ था, जनवरी अटेम्प्ट जो हुआ था JEE Main का, उसमें 5 क्वेश्चन आए थे स्ट्रेट लाइन से, 6 पेपर्स में. 2019 में आपके पास 17 क्वेश्चन आए थे 16 पेपर्स में. 2018 में आपके पास 5 क्वेश्चन आए थे 4 पेपर में. 2017 में 3 क्वेश्चन आए थे 3 पेपर में. और 2016 में अगेन आपके पास 3 पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे. तो ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है. तो ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 क्वेश्चन पर पेपर, ठीक है. 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज फर्स्ट टाइम बेसिक चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड आई वुड से फ्रॉम JEE Main पर्सपेक्टिव इट्स वेरी सिंपल एंड स्कोरिंग टॉपिक. सिंपल फॉर्मूलेज हैं. JEE Main पर्सपेक्टिव से हम ये सेशन कर रहे हैं, तो ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, ज्यादा डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, बस सिंपल सिंपल जो चीजें हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, बस उनको ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे. बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो. हम कुछ टेम्पलेट ये रहेगा, हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आए उनको टैकल करेंगे, ठीक है. तो एक मैं ब्रीफ आउटलाइन दे देता हूँ आज के सेशन का, वेबिनार का. क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, एक तो डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे, सेक्शन फार्मूला, फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं पैरेललोग्राम, रोम्बस पे, बच्चों को कई बार प्रॉपर्टीज पता नहीं होती हैं, तो ये वैसे 9th-10th में भी आपने देखा होगा, मैं फिर से एक रिव्यू कर लेंगे. फिर ट्रायंगल में जो 4 स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये देखेंगे. फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, एंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी देखेंगे ऑफ 3 पॉइंट्स. फिर एक लोकस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेंगे, ब्रीफ आइडिया लेंगे लोकस का. फिर स्ट्रेट लाइन के हम डेफिनेशन में जाएंगे कि क्या स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन का मतलब होता है, स्लोप क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्या मतलब होता है, कैसे निकालते हैं 2 लाइंस के बीच का एंगल. फिर इंटरसेप्ट ऑफ द लाइंस ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है.
फिर हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन देखेंगे। इसमें जितनी भी वेरियस फॉर्म्स होती है लाइन को लिखने का, जो भी तरीका होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म और जनरल फॉर्म देखेंगे। फिर हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन देखेंगे एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, इसकी इक्वेशन लिखना देखेंगे। फिर हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला देखेंगे एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला भी हम देखेंगे। फिर कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस देखेंगे और लास्ट में विल सी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेशन। चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेशन। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला देखो क्या होता है, अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू, ये आई थिंक सबको पता होगा, जस्ट ब्रीफ रिव्यू ले ले। तो दो पॉइंट्स हैं मेरे पास ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट पाथ कनेक्टिंग दीज टू पॉइंट्स। और आपको पता है इन दो पॉइंट्स के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है कनेक्ट करने वाला, वो क्या निकल के आती है, इट इज द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग दीज टू पॉइंट्स। यही ए बी, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ सेम चीज है एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। ये सबको पता है, बहुत सिंपल सा चीज, जस्ट रिवाइज कर ले। फिर सेक्शन फार्मूला पे आते हैं। तो देखो सेक्शन फार्मूला दो तरह का होता है, इंटरनल डिविजन और एक्सटर्नल डिविजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन में देखो क्या होता है कि अगर एक पॉइंट है ए एक्स वन वाई वन और दूसरा पॉइंट है बी एक्स टू वाई टू, तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है और कोई पॉइंट सी है, वो ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेट अस से एम इज टू एन है, ए सी इज टू, लेट अस से सी बी का रेशियो एम इज टू एन है। ठीक है, तो अगर ये इंटरनल डिवीजन है, इसका क्या मतलब होता है कि पॉइंट सी जो होगा वो ए और बी को ज्वाइन कर, ए और बी को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसके समवेयर बीच में होगा। ठीक है, इट विल लाई इन बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। और इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पॉइंट सी कोई है वो अगर ए बी को इंटरनली एम एक्स टू एन के रेशियो में डिवाइड करता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, फिर होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, या अगर एम बाई एन को मैं लैम्डा मान लेता हूँ, तो ये देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स टू वन का रेशियो हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन लैम्डा प्लस वन कॉमा लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन लैम्डा प्लस, ये इंटरनल डिविजन का फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, एक्सटर्नल डिवीजन में देखो क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन में अगर दो पॉइंट हैं ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है ए बी, और अगर कोई पॉइंट सी ए बी को किसी रेशियो एम एक्स टू एन में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, इसका ये मतलब हुआ कि पॉइंट जो सी होगा इट विल लाई, इसका देखो मतलब क्या होता है कि सी लाई on the extension of, C lies on the extension of the line segment AB. तो जो C होगा वो A और B को जो join करने वाली line segment है उसके बीच में नहीं lie करेगा, extend करने पे lie करेगा। तो देखो दो possibility हो सकती है, जैसे suppose ये A और B है, तो पॉइंट सी जो होगा वो एक्सटेंशन में लाई करेगा, तो ये तो पॉइंट सी ऐसे लाई कर सकता है, मतलब ए से दूर हो और बी के पास हो। तो अगर ऐसा होगा तो देखोगे कि ए सी बाई बी सी का जो रेशियो होगा, देख सकते हो पॉइंट सी जो है वो ए से दूर है और बी के पास है, तो कहना ही से ए सी इज ग्रेटर देन बी सी।
तो एसी बाई बीसी का जो रेशियो होगा वो देखो वन से बड़ा होगा, तो जब भी ऐसा होगा तो ऐसा बन रहा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, और जो पॉइंट सी है एक्सटेंशन में ए के पास हो, तो देख सकते हो ए के अगर पास होगा तो एसी जो होगा आपके पास, एसी वुड बी लेस देन बीसी। तो एसी बाई बीसी का जो रेशियो होगा वो वन से छोटा हो जाएगा, राइट। तो देखो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन माइनस आ जाता है, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन कॉमा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। या फिर अगर मैं एम बाई एन को लैम्डा मान लू तो देखोगे ये फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन लैम्डा माइनस वन और लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन लैम्डा माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक इसमें एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, सपोज मेरे पास दो पॉइंट दिया हुआ है ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू, ठीक है, ये दिया हुआ है कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और कोई पॉइंट सी दिया हुआ है, कोई पॉइंट सी दिया हुआ है एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पता करो कि पॉइंट सी जो है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट। अब ये नहीं दिया हुआ है कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये आपको नहीं दिया हुआ है, तो देखो आप इसमें कुछ मत करो, आप मान लो कि पॉइंट सी जो है वो ए बी को दैट इज ए सी बाई बी सी का जो रेशियो है वो मान लो लैम्डा इज टू वन है, मान लेते हैं अभी इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और आप क्या करो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दो, मान लो आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन लैम्डा प्लस वन और लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन लैम्डा प्लस वन, ये सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और इसको आप फिर इक्वेट कर दो जो सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री से, या तो आप लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन लैम्डा प्लस वन को एक्स थ्री के इक्वल कर दो तो उससे लैम्डा आ जाएगा, या फिर लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन लैम्डा प्लस वन को वाई थ्री से इक्वेट कर दो तो भी लैम्डा निकाल सकते हो। अब सपोज लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आई, मतलब सपोज लैम्डा की वैल्यू हाफ आ गई, इसका ये मतलब जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही है, मतलब डिवीजन क्या है इंटरनल है, ठीक है। बट अगर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के जो लैम्डा की वैल्यू है वो सपोज नेगेटिव निकल के आई, नेगेटिव निकल के आई मतलब क्या होगा एक्सटर्नल डिवीजन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से ये देख सकते हो, अगर इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में लैम्डा नेगेटिव आ गया तो वो एक्चुअल में एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। देखो कैसे, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यही होता है, राइट। अगर इस फॉर्मूले में आप लैम्डा को माइनस लैम्डा से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा, ये माइनस लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन माइनस लैम्डा प्लस वन कॉमा माइनस लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन माइनस लैम्डा प्लस वन, राइट, यही बन जाएगा। अच्छा इसमें देख सकते हो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो ये यही बन जाएगा लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन लैम्डा माइनस वन, जो कि देख सकते हो आप ये तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। तो अगर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ गई मतलब डिवीजन क्या है एक्सटर्नल, ठीक है। अच्छा एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पता होगा आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा कि जैसे एक पॉइंट है ए एक्स वन कॉमा वाई वन और दूसरा पॉइंट है बी एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा कि हमें ए बी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, मतलब एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी दैट इज एम इक्वल टू एम बी, तो वही ये रेशियो एम इज टू एन का रेशियो तो आ जाएगा वन इज टू वन, राइट। तो बस वही इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में देखो एम और एन को वन वन डाल दोगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई,
दैट इज जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन, और एम का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए और बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक एवरेज हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। चलो फिर आते हैं फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का आइडिया एक बार ले लेते हैं। पहला देखो होता है पैरेललोग्राम, काफी कॉमन सा है ये पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर, पैरेललोग्राम में क्या होता है ऑपोजिट, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड साथ ही साथ क्या हो जाए इक्वल हो जाए। ठीक है, पैरेललोग्राम आपका देखो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है कुछ ऐसा दिखेगा, ये पैरेललोग्राम है आपका ए बी सी डी। ठीक है, इसमें आपकी जो ऑपोजिट साइड है ये पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, ये भी ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। ठीक है, और एक पैरेललोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं एसी और बीडी, ये जो दोनों डायगोनल्स होते हैं डायगोनल दे बाइसेक्ट ईच अदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि ये जो एसी और बीडी जो डायगोनल है, लेट अस इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम मान लेते हैं, तो एम जो होगा वो एसी का भी मिड पॉइंट होगा और एम बीडी का भी मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्ट करने का ये मतलब होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि पैरेललोग्राम के डायगोनल दे बाइसेक्ट ईच अदर बट डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरीली इक्वल। पैरेललोग्राम के डायगोनल दे आर नॉट नेसेसरीली इक्वल, कोई जरूरी नहीं डायगोनल्स इक्वल हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। अच्छा, और पैरेललोग्राम का एरिया भी आप ध्यान रख सकते हो, एरिया क्या होता है अगर ये इसको मैं बेस मानू तो ये बेस हो जाएगा, और ये सपोज ये दो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो h मान लेते हैं, तो एरिया होता है इसका बेस इनटू हाइट। ये ध्यान रखिएगा पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पे आ जाते हैं, दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल में बस क्या होता है कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। दिस इज द रेक्टेंगल, ठीक है ये रेक्टेंगल है। इसमें देखो क्या होगा, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एडजेसेंट साइड्स के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें भी ऑब्वियस है डायगोनल दे बाइसेक्ट ईच अदर, बट रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल भी होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे, एसी वुड बी इक्वल टू बीडी। ठीक है, चलो फिर स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या होता है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें सभी साइड्स क्या हो जाए इक्वल हो जाए, ये सभी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल होंगी और ऑब्वियस है डायगोनल यहाँ पे इक्वल तो हो गई और डायगोनल दे बाइसेक्ट ईच अदर आल्सो, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा डायगोनल परपेंडिकुलर भी होंगे। रेक्टेंगल में कोई जरूरी नहीं था कि डायगोनल परपेंडिकुलर हो, ठीक है, बट स्क्वायर में डायगोनल दे आर परपेंडिकुलर आल्सो, तो डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, रॉम्बस में आ जाते हैं। रॉम्बस देखो क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए। देखो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आपको पता है और अपोजिट साइड पर पैरेलल एंड इक्वल, बट अगर इसमें एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए मतलब चारों साइड इक्वल हो जाए तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रॉम्बस। रॉम्बस में ध्यान रखिएगा डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ध्यान रखिएगा पैरेललोग्राम में, सॉरी रॉम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट। और एरिया ध्यान रखिएगा, एरिया इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल।
ठीक है, स्क्वायर हो गया, ट्रेपीजियम सबको पता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल विच हैज एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होंगे, कुछ इस तरह का आपका दिखेगा ट्रेपीजियम, ए बी सी डी मान लेते हैं, ठीक है, इसमें देखोगे एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, ये दोनों नॉन पैरेलल होंगे, बाकी दो अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होंगे, ठीक है। चलो फिर आ जाते हैं स्पेशल पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल, कुछ ट्रायंगल में चार स्पेशल पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। तो देखो सेंट्रोइड क्या होता है, अगर मैं ये ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करता हूँ, कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, तो पहले आपको पता चलना होना चाहिए कि मीडियन, ट्रायंगल में तीन मीडियन होंगे, मीडियन क्या होता है, जैसे वर्टेक्स ए से मीडियन ज्वाइन कर बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, वर्टेक्स ए के जो अपोजिट साइड है बी सी, उसका जो मिड पॉइंट होगा डी, उसको लूंगा और ए डी को ज्वाइन कर लूंगा, तो ये एक मीडियन हो जाएगा, मीडियन ए डी हो गया। फिर सिमिलरली बी से, वर्टेक्स बी से मीडियन ड्रॉ करना है, तो मैं वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड ए सी का मिड पॉइंट पकड़ूंगा और फिर उसको ज्वाइन कर दूंगा, तो ये मीडियन बी होगी। सिमिलरली एक तीसरी मीडियन सी एफ हो जाएगी, और ये तीनों मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों मीडियम एक पॉइंट से पास करती है, दे आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट, एंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, इसी को कहते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो सेंट्रोइड क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम, या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियम, और ध्यान रखिएगा ये जो सेंट्रोइड होता है ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है इंटरनली, ठीक है। और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो ये होते हैं, तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन, तीनों वर्टिसेस के वाई कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन। तो बेसिकली जो सेंट्रोइड होता है वो एक्चुअल में इस ट्राइंगुलर शीट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, मतलब अगर ये फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना है सेंट्रोइड का, तो अगर मैं इस ट्रायंगुलर शीट का अगर यूनिफॉर्म मास है इसको सेंट्रोइड का राउंड अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा, तो इसीलिए इसको जी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें सेंट्रोइड के बारे में, जी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, जी ऑलवेज लाइज इन साइड द ट्राइंगल, G always lies inside the triangle. Centroid जो होगा वो triangle के अंदर ही lie करेगा, क्यों, क्योंकि देखो centroid होता क्या है, point of concurrency of median, देखो कि तीनों median triangle के अंदर lie करेंगे तो obvious है intersect कहीं ना कहीं triangle के अंदर ही करेंगे, तो G always lies inside the triangle। और दूसरी एक triangle centroid की जो important property होती है, ये जो centroid होता है, centroid divides, ध्यान रखिएगा centroid जो होता है, centroid divides the triangle, centroid divides the triangle into three triangles of equal area, centroid divides the triangle into triangles of equal areas, of equal area. This is very important point. इसके question पूछ चुके हैं, जेई मेंस में आया भी है। देखो इसका मतलब क्या हुआ? Again मैं derivation पे नहीं जा रहा हूँ, due to the paucity of time, और जेई मेंस में आपको derivation की जरूरत नहीं, बस ये सब facts ध्यान रखोगे आराम से आप question कर सकते, काफी simple question आते हैं। देखो क्या मतलब हुआ, जैसे मैं ये triangle draw करता हूँ एबीसी, ये ट्राइंगल है आपका एबीसी, तो जी ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, तो ये कहीं अंदर सेंट्रोइड कहीं पे लाई करेगा, तो देखोगे ये जो सेंट्रोइड है ये ट्राइंगल को देखो तीन अंदर ट्राइंगल्स में सब डिवाइड कर देगा, ट्राइंगल जी ए बी, ट्राइंगल जी बी सी और ट्राइंगल जी ए सी, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा,
एरिया ऑफ ट्राइंगल जीएबी नोटेशन ऐसे रहता है, बॉक्स में लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीएबी सेम एज एरिया ऑफ ट्राइंगल जीबीसी सेम एज एरिया ऑफ ट्राइंगल जीएबी, ये चीज ध्यान रखिए, तीनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। देखो क्या मतलब हुआ, अगर कोई ट्राइंगल है तो इसके तीन एंगल्स होंगे, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, इंटरनल एंगल। तो एंगल ए का अगर मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, ये हो गया लेटेस्ट में, और सिमिलरली मैं ये एंगल बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं बीई, मान लेते ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो एंगल सी का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो भी इसी पॉइंट से पास होगा, राइट। तीनों कॉन्करेंट होंगे एंड दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, आई से डिनोट करते हैं इन सेंटर, ठीक है। अच्छा इन सेंटर के कोऑर्डिनेट देखो क्या होते हैं, वर्टेक्स ए के अगर मैं अपोजिट साइड को स्मॉल ए से डिनोट करता हूँ, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करता हूँ अगर मैं, तो इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है वो ये होता, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए वाई वन, देखो याद रखने का तरीका क्या है, अपोजिट साइड इंटू जो अपोजिट वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट, ए वाई वन फिर बी वाई टू फिर सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन सेंटर की जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, इन सेंटर जो होता है, पहली चीज देखो ट्राइंगल की तीनों जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होंगे वो ऑब्वियस है ट्राइंगल के अंदर लाई करेंगे, तो इंटरसेक्ट भी कहीं ना कहीं अंदर ही करेंगे, तो आई ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, ये चीज ध्यान रखिएगा, आई ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। दूसरी चीज जैसे सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती थी कि सेंट्रॉइड डिवाइड द ट्राइंगल इंटू थ्री ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, सिमिलरली इन सेंटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि आई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होता है, इन सेंटर का इस ट्राइंगल की तीनों साइड से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है। इसीलिए मैं आई को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं जो इस ट्राइंगल को इंटरनली टच करे, देखो ये जो सर्कल होगा, ठीक है, इस सर्कल को कहते हैं इस ट्राइंगल का, इस सर्कल को कहते हैं इस ट्राइंगल का इन सर्कल, और ये जो सर्कल का जो रेडियस होगा उसको कहते हैं इन रेडियस, इन रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे किया हुआ, राइट। और इन रेडियस का भी फॉर्मूला आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, इन रेडियस क्या होता है, अगेन प्रूफ पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, जेई मेन्स की क्लास है, बहुत ही ब्रीफली हम डिस्कस करें, इन रेडियस ट्राइंगल का ये होता है आर इज डेल्टा बाई एस, ट्राइंगल के एरिया को उसके सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दो तो इन रेडियस आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं सर्कम सेंटर पे, तो देखो सर्कम सेंटर क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखो क्या मतलब हुआ इसका, अगर मैं कोई ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, सपोज ये ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल एबीसी, तो ये जो तीनों साइड्स हैं ए बी बी सी और ए सी, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन, जैसे बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ऐसी लाइन जो बीसी के मिड पॉइंट से पास हो और साथ ही साथ बीसी के क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो,
ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बीसी का, फिर सिमिलरली एबी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। और सिमिलरली एसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कॉन्करेंट होते हैं किसी पॉइंट पे, एंड दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ओ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सर्कम सेंटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि सर्कम सेंटर जो है वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे इस चीज को नोट करके लिख लेते हैं, सर्कम सेंटर को ओ से मैं डिनोट कर रहा हूं। सर्कम सेंटर ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सर्कम सेंटर ओ जो होगा वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक है, तो कैन आई से मैं ओ को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो। ऐसे सर्कल को कहते हैं, इस ट्राइंगल का क्या होगा, ये सर्कम सर्कल या सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा ओ, इसको सर्कम सेंटर कहते हैं। ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस होगा ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। इसका भी फॉर्मूला होता है, एक टॉपिक में आप देखोगे या देखा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल टॉपिक में, इसका फॉर्मूला होता है आर इज ए बी सी बाई फोर डेल्टा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, सर्कम सेंटर जो होता है वो ट्राइंगल के बाहर भी लाई कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो ओ लाइज इनसाइड। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के केस में सर्कम सेंटर जो होगा वो ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के केस में ओ बाहर लाई करेगा, ओ लाइज आउटसाइड। और राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर होगा वो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हो कि अगर आपने कोई राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, अगर आपने कोई राइट एंगल ट्राइंगल लिया है लेट अस से ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल दैट बी। ठीक है, तो इसका सर्कम सेंटर बताना है। सर्कम सेंटर को ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल एबीसी का जो सर्कम सर्कल होगा, मतलब ऐसा सर्कल जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करे, सर्कम सर्कल जो होगा इस ट्राइंगल का, उसका जो सेंटर होगा वही सर्कम सेंटर होगा। तो कनाई से अगर मैं एसी को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करूंगा तो वो बी से पास करेगा, यही तो इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल हो गया। और इसका सेंटर क्या होगा, जो कि सर्कम सेंटर बेसिकली डायमीटर का मिड पॉइंट, आपको पता है सर्कल का सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट। देखो यही सर्कम सेंटर ओ हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। ठीक है, चलो फिर आ जाते हैं ऑर्थो सेंटर। तो देखो यहाँ नाम से पता चला ऑर्थो वर्ड यूज हो रहा है, ऑर्थो से आपको हिंट मिल रहा होगा समथिंग रिलेटेड टू परपेंडिकुलर। तो देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, मैं कोई ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ये ट्राइंगल है, चलो नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो देखो इस ट्राइंगल एबीसी के तीन ऑल्टीट्यूड्स होंगे। ऑल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होगा, जैसे मैं वर्टेक्स ए से
अल्टीट्यूड ड्रॉप करना है, मतलब वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा मैं ए एल। फिर सिमिलरली इधर से एक ड्रॉप करूंगा मैं अल्टीट्यूड, लेट अस से नेमिंग दे देते हैं, दिस इज आवर ए एल एंड दिस इज बी एम। ये दोनों अल्टीट्यूड सपोज इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो वर्टेक्स सी से मैं अल्टीट्यूड खींचूंगा अपोजिट साइड ए बी पे, वो भी इसी पॉइंट से पास होगा, तीनों कॉन्करेंट होते हैं एंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर एच। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा ऑर्थो सेंटर भी ट्राइंगल के बाहर लाई कर सकता है, ठीक है, ये बाहर लाई कर सकता है, सेंट्रॉइड और इन सेंटर हमेशा अंदर लाई करेगा, ठीक है, और आपका ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर बाहर लाई कर सकता है ट्रायंगल के इन केस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो वही चीज है, एच लाइज इनसाइड फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, आउटसाइड फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, देखो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जैसे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है एबीसी, राइट एंगल डेट बी है, तो देखो कि इसका ऑर्थो सेंटर देखो क्या होगा, मैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करूंगा, तो मैं सपोज वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बी सी पे ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा, यही होगा, फिर वर्टेक्स सी से अपोजिट साइड ए बी पे ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा, यही होगा, ये दोनों ऑल्टीट्यूड कहाँ पे मीट कर रहे हैं, बी पे, तो यही ऑर्थो सेंटर होगा, तीनों कॉन्करेंट होते हैं, तो देखो ये ऑर्थो सेंटर होगा। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर राइट एंगल इज फॉर्म, यहाँ पे बी इज द ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के केस में ऑर्थो सेंटर बाहर भी लाई कर सकता है, जैसे मैं दिखा देता हूं, जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है, तो इसका ऑर्थो सेंटर क्या है, एच, सपोज मैंने ये ट्रायंगल पकड़ा है ट्रायंगल एएचबी, ट्रायंगल एएचबी, तो कोई बता सकता है बेटा मुझे कि कैसे सोचो ट्रायंगल एएचबी का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, तो देखो ट्रायंगल ए एच बी का ऑर्थो सेंटर आपको लोकेट करना है, तो ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करो आप, देखो कैसे, तो एक बार क्या करोगे आप, वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड जो आपका है, वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड कौन सा है आपका, बी एच, वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बी एच, अब इससे ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे, तो देखो ऑल्टीट्यूड देखो ऑलरेडी ड्रॉन है बी एच पे, एक्सटेंड करने पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉप हो रहा है, देखो ये वाला ऑल्टीट्यूड है, फिर वर्टेक्स बी से आप अपोजिट साइड एच पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे, देखो ऑल्टीट्यूड ऑलरेडी ड्रॉन है, ये एक्सटेंड करने पे ही ऑल्टीट्यूड आ रहा है, और सिमिलरली वर्टेक्स एच से अपोजिट साइड ए बी पे ड्रॉप करोगे, देखो ये तीसरा ऑल्टीट्यूड आ रहा है, कहां पे तीनों ऑल्टीट्यूड मीट कर रहे हैं, सी पे, तो देखो ट्रायंगल ए एच बी का ऑर्थो सेंटर सी होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। फिर सिमिलरली ट्राइंगल बी एच सी का ऑर्थो सेंटर, बी एच सी का ऑर्थो सेंटर ए हो जाएगा, सिमिलरली आप देख सकते हैं ए एच बी हो गया, बी एच सी हो गया, सिमिलरली ट्राइंगल ए एच सी का ऑर्थो सेंटर बी हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अच्छा इसमें फिर कुछ एक इम्पोर्टेंट रिमार्क्स आप देख लीजिए, पहली चीज ध्यान रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये जो चारों पॉइंट होते हैं ये कॉन्साइड कर जाते हैं, मतलब चारों सेमी पॉइंट होंगे, क्यों होंगे, बहुत सिंपली आप देख सकते हो कि अगर मैंने कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, मतलब ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल हो, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियम, तो अगर मैं सेंट्रॉइड ड्रॉप करता हूँ, मतलब सॉरी मीडियम पहले ड्रॉप करता हूँ, मतलब मैं क्या करूंगा, वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बी सी का जो मिड पॉइंट होगा
उसको ज्वाइन करूंगा, तो ये मीडियन हो गया, एडी मीडियन हो गया। अब आप देख सकते हो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। तो जो ये जो एडी होगा ये मीडियन होने के साथ साथ, ये इंडिविजुअल एंगल ये 90 हो गया, तो ये एडी मीडियन होने के साथ साथ ये एडी ऑल्टीट्यूड भी होगा, परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। फिर एडी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा साइड बीसी का। और सिंस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देखो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा सीपी सीपी से। तो एडी जो होगा वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा ऑब्वियस है। सिमिलरली बी भी ये चारों चीज होगा, इधर सी एस भी चारों होगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ये जो पॉइंट होगा इसको आप सेंट्रॉइड भी कह लो, ऑर्थो सेंटर भी कह लो, सर्कम सेंटर भी कह लो, इन सेंटर भी कह लो, चारों सब सेम ही हो जाएगा। सेकेंड इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर दे आर ऑलवेज कोलिनियर। क्या मतलब हुआ, किसी भी ट्रायंगल में ऑब्वियसली एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो चारों पॉइंट सेम ही हो जाता है, कॉन्साइड कर जाता है। तो इन एनी ट्रायंगल एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल ध्यान रखिएगा एच ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, एच जी ओ आर ऑलवेज कोलिनियर एंड जी डिवाइड एच ओ इंटरनली इन द रेशियो 2:1। ध्यान रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं जेई मेंस में, अभी करने वाले हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ के अभी करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करें। तो ध्यान रखिएगा इन एनी ट्राइंगल except equilateral triangle, HGO are collinear and G divides HO internally in the ratio 2:1। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ये कोई ट्राइंगल एबीसी है, अगर उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपके पास, ax1, y1, bx2, y2, cx3, y3, इस ट्राइंगल का एरिया आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स, ऑब्वियसली हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1, y1, x2, y2, x3, y3। और ध्यान रखिएगा एरिया तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो बाहर में फिर मॉड लगा दें। ठीक है, और यहीं से आप कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी आ जाएगा तीन पॉइंट का, कि पता है आपको कि अगर ये तीनों पॉइंट बहुत, इट्स वेरी इजी टू सी कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं बेसिकली, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप ये डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट बना था इसको आप जीरो कर दोगे, तो यहां से आपको कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्री लोकस, थोड़ा लोकस का आइडिया ले लेते हैं। तो लोकस का मतलब क्या होता है, अगर बिल्कुल आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो लोकस का मतलब होता है पाथ, ट्रैजेक्टरी, फिजिक्स के टर्म्स में बात करो तो लोकस मैथमेटिकली किसी भी पाथ को आप लोकस नहीं बोलोगे। जैसे कोई भी रैंडम, मैंने कोई पॉइंट है यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ऐसे रैंडमली घूम के यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है, तो ए से बी जाने में कुछ पाथ तो फॉलो किया इसने, बट देख सकते हो ये पाथ रैंडम है, दिस इज नॉट अ लोकस, दिस इज नॉट अ लोकस, मैथमेटिकली स्पीकिंग दिस इज नॉट अ लोकस। किसी भी पाथ को लोकस होने के लिए इट शुड सेटिस्फाई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी लोकस होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लोकस का मतलब वही होगा कि ये पाथ, जो पॉइंट जिस पाथ पे मूव कर रहा है उस पाथ को मैथमेटिकली आप इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखोगे, मतलब वही उस पाथ पे आने वाले किसी भी पॉइंट का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा उसके बीच में क्या रिलेशन होगा उसी को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस। अभी लोकस के भी क्वेश्चन काफी आते हैं जेई मेंस में, वो भी करेंगे अभी, हम वो बेटर समझ में आएगा। देखो वो लोकस निकालने के लिए देखो क्या बेसिक स्टेप ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप
तो जिस भी पॉइंट का आपको लोकस निकालना है उसको एच कॉमा के मान लो, जो वेरिएबल पॉइंट है उसको एच कॉमा के मान लो। फिर राइट द गिवन मैथ कंडीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म इन्वॉल्विंग एच कॉमा के, मतलब जो अप्लाई दी ज्योमेट्रिकल कंडीशन, जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्वेश्चन में दी होगी ये अप्लाई करो आप, ठीक है राइट। फिर एलिमिनेट दी वेरिएबल्स और पैरामीटर्स इफ एनी, अगर कोई पैरामीटर आपने अज्यूम किए हैं, कई बार डायरेक्टली लोकस नहीं निकलेगा, कुछ पैरामीटर अज्यूम करना पड़ेगा आपको, तो अगर आपने अज्यूम किया कोई पैरामीटर तो उसको एलिमिनेट करिए, क्योंकि फाइनल आंसर में आप पैरामीटर्स के टर्म्स में तो नहीं बोल सकते, वो तो हमने खुद से अज्यूम किया है। और लास्ट में फिर आप क्या करो, एच को एक्स से रिप्लेस कर दो और के को वाई से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो इतना आपको करना है, अभी क्वेश्चन करते हैं। तो चलो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चन लिए रीसेंट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने रीसेंट ही लिए हैं, ठीक है। तो चलो ये लास्ट ईयर ही आया था, 8 अप्रैल वो फर्स्ट ऑनलाइन में आया था, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अच्छा ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में हमेशा ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ एटलीस्ट रफ स्केच, एक रफ फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है काफी आसानी से। चलो तो मैं इसको चलो थोड़ा सा एक्यूरेटली ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ की, ठीक है। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, लेट ओ जीरो जीरो, ओ जीरो जीरो एक पॉइंट है, एंड लेट एंड ए जीरो वन, ए जीरो वन ऑब्वियस है एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, बी टू फिक्स पॉइंट, ठीक है। अच्छा लोकस ऑफ अ पॉइंट पी, पॉइंट पी तीसरा पॉइंट जो पी है वो वैरी कर रहा है, और किस तरह से वैरी कर रहा है, सच दैट सपोज पॉइंट पी मैंने यहाँ पे उठाया है, तो पॉइंट पी इस तरह से वैरी कर रहा है सच दैट ये जो ट्रायंगल एओपी बन रहा है, जो ट्रायंगल एओपी बन रहा है उसका पेरीमीटर हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा 4 निकल के आ रहा है, तो पॉइंट पी का लोकस निकालना मुझे। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या दी हुई है कि OA प्लस AP प्लस OP ये 4 दिया हुआ, ठीक है। तो चलो पॉइंट P का लोकस निकालना, तो पहला स्टेप देखो क्या था, यहाँ पे जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको H कॉमा के मान लो, एंड देन अप्लाई दी ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाओगे तो OA तो 1 ही है, ये तो 1 है, 1 प्लस AP, AP क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला से AP निकाल लोगे, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। OP, OP क्या दिया हुआ है, 0 0 और h कॉमा k के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, 4 के, ठीक है। तो अब देखो दो दो बार अंडर रूट है, तो अभी रैंडमली अभी इधर से स्क्वायर कर दोगे तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, एक अंडर रूट को एक साइड रखते हैं, दूसरे अंडर रूट को दूसरे साइड भेज के स्क्वायर करते हैं, तो चलो ये इसको एक साइड रखते हैं, एच स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 4 माइनस 1 इधर जाके 3 हो जाएगा, और इस वाले को इधर भेज रहे हैं, ठीक है। अब स्क्वायर कर देना, दोनों साइड स्क्वायर कर देना, ठीक है, दोनों साइड अब हम स्क्वायर कर देना, तो क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा,
9 plus h square plus k square minus 6 times under root of h square plus k square. ठीक है, ये बन जाएगा. अगर इसको खोलोगे तो ये क्या होगा, h square plus k square plus 1 minus 2k. इधर क्या है, 9 plus h square plus k square minus 6. ठीक है, यही है राइट. अच्छा यहाँ से काट सकते हो, h square plus k square काट दोगे. ठीक है, अगेन एक अंडर रूट बचा तो फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा. तो क्या करते हैं, उस अंडर रूट को एक ही साइड रखते हैं. तो चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस टू के, वन माइनस नाइन क्या आ जाएगा, माइनस एट. तो माइनस टू कॉमन लेके क्या आ जाएगा, माइनस टू के प्लस फोर. और इधर क्या बचा था, माइनस सिक्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. ठीक है, आई होप सभी लोग फॉलो कर रहे हो. माइनस माइनस तो कट जाएगा, ये टू इससे कटेगा, फिर से स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, फिर से स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, के प्लस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन टाइम एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. ठीक है, बस लोकस आ गया है. ये इसको खोल दोगे तो क्या होगा, के स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 के इज 9 स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, 9 एच स्क्वायर फिर 9 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8 के स्क्वायर माइनस 8 के इक्वल टू 16, यही आ जाएगा. और लास्ट में h को x से और h को x से और k को y से रिप्लेस कर देंगे, तो बस आपका लोकस आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 16. ये आपका आंसर आ जाएगा, 8y इक्वल टू 16. कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे यहाँ पे, 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 16, सी ऑप्शन टिक कर देंगे आप, इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी लोकस का ही है. ये पहले जेई मेन से पहले आपको पता है ट्रिपल ई होता था, उसमें आया था ये 2004 में, तो डिस्कस कर लेते हैं. लेट ए 2, 3 एंड बी माइनस 2, 1 बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी. कोई ट्रायंगल एबीसी उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं. एंड इफ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल मूव्स ऑन द लाइन दिस, देन लोकस ऑफ द वर्टेक्स सी. तो वर्टेक्स सी का लोकस निकालना, तो अभी बताया था जिस भी चीज का लोकस निकालना है उसको पहले एच कॉमा के मान लो. तो वर्टेक्स सी को एच कॉमा के मान लो. एक ऐसे रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे फिगर की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में. ये वर्टेक्स है ए 2, -3, बी क्या है -2, 1, तीसरा वर्टेक्स सी है, इसी का लोकस निकालना. तो इसको मान लेते हैं एच कॉमा के, राइट. तो बताओ ट्रायंगल का सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो h बाई 3 कॉमा माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस k, तो k माइनस 2 बाई 3, यही हो जाएगा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट साइड. अच्छा सेंट्रॉइड किस पे लाई कर रहा है, सेंट्रॉइड लाइज ऑन किस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है. तो सेंट्रॉइड इस पे लाई कर रहा है, तो बस आप क्या करेंगे, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को इस लाइन की इक्वेशन में डाल के सेटिस्फाई करा देंगे.
So 2h by 3 plus thrice k minus 2 by 3 is equal to kya jayega? 1. So 2h plus 3k minus 6. LCM जो 3 था डिनोमिनेटर में उसको उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 2h plus 3k equal to 9. लोकस के लिए h को x से रिप्लेस कर देंगे, k को y से रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 2x plus 3y equal to 9 ये आ जाएगा. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. लेट A 1 comma minus 1 and B 0 comma 2 be two points. If P x dash comma y dash be such that area of triangle PAB constant है, तो चलो यहाँ पे इसको करते हैं. A है 1 comma minus 1, B है 0 comma 2 और तीसरा point P है x dash comma y dash. ठीक है, तो triangle का area क्या लिखोगे बताओ? तो half डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे तो मैं यहां से स्टार्ट करूँ, इसको पहले लिख रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में इसको डाल दूँ ताकि वो डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करने में आसानी होगी. मॉड लगाएंगे तो अल्टीमेटली फर्क नहीं पड़ेगा, दो रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर सकते. मॉड अगर लगाया तो वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा. 0 2 1 1 माइनस 1 1 x डैश कॉमा y डैश कॉमा 1. ठीक है, उसका पे अब हम मॉड लगा देंगे एंड दिस इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो चलो इसको खोलेंगे तो 0 इंटू दिस तो 0 जाएगा, फिर माइनस 2 लिखेंगे, माइनस 2 लिखेंगे तो 1 माइनस x डैश हो जाएगा, फिर 1 ये रो और कॉलम हाइड करेंगे तो y डैश प्लस x डैश हो जाएगा. ठीक है, 1 इंटू y डैश प्लस x डैश. अच्छा, इसका मॉड है बेसिकली, और वो 2 उधर भेज देंगे तो 10 हो जाएगा. चलो मॉड खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस 2 प्लस 2 x डैश प्लस x डैश प्लस y डैश. अच्छा, मॉड ऑफ दिस वाज 10, तो मॉड हटा के ये चीज क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 10. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3x डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू, प्लस साइन लोगे तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, माइनस साइन लोगे माइनस 10 प्लस 2 क्या आ जाएगा, माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 हो जाएगा. राइट, तो अब एंड लाइज ऑन, देखो पी लाइज ऑन दिस लाइन, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. तो अब लास्ट में लोकस के लिए एक्स डैश को एक्स से रिप्लेस कर दोगे और वाई डैश को वाई से रिप्लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0. ठीक है, यही हो जाएगा. चलो तो अब इसको 3x प्लस वाई माइनस 4 लैम्डा दिया हुआ है. ठीक है, इससे कंपेयर करोगे तो देखोगे कि माइनस 4 लैम्डा जो है या तो 12 हो सकता है, कॉन्स्टेंट टर्म इधर माइनस 12 है, सॉरी माइनस 12 है, या इधर कॉन्स्टेंट टर्म 8 है, तो माइनस 4 लैम्डा या तो 8 हो सकता है. तो लैम्डा क्या हो सकता है यहाँ पे, या तो 3 हो सकता है या माइनस 2 हो सकता है. ठीक है, तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ सकती है, 3 और माइनस 2, बट ऑप्शन में माइनस 2 तो नहीं दिख रहा, 3 दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन हम टिक कर देंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं. ये इसी साल आया था, जेई मेन 2020 में आया था. सेवन जनवरी को आया था मॉर्निंग शिफ्ट में. अब देखो लेट ए 10 बी 6.2 एंड सी 3/2.6, ये तीन कोई ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं. ठीक है, और ट्रायंगल एबीसी के अंदर कोई पॉइंट पी है, सच दैट वो पॉइंट पी जो है वो ट्रायंगल को, देखो क्या हो रहा है,
ये ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, और जो पॉइंट पी है इस तरह से ट्राइंगल के अंदर, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन तीनों का एरिया इक्वल है। तो आपको अभी पता है कि सेंट्रॉइड ही ऐसा पॉइंट होता है जो ट्राइंगल को तीन ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है ऑफ इक्वल एरिया। तो यहां से वी कैन कंक्लूड कि पी विल बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, पी जो होगा वो एक्चुअल में ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होगा। पी के कोऑर्डिनेट लिख लो जल्दी से, तो एक्स वन 7 + 3/2, तो 17/6 हो जाएगा, 0 + 2/2, 2 + 6/2, 8/3 हो जाएगा पी के कोऑर्डिनेट, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, वेयर क्यू दिया हुआ है पॉइंट, -7/6, -1/3, तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला से पी क्यू निकालना है। देख सकते हो कितना सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको ये फैक्ट पता है जो कि हमने डिस्कस किया, तो 17/6 + 7 - -10 + 24/6, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8/3 + 1/3, 9/3, 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 25 आंसर आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आया है, ये लास्ट ईयर आया था जेईई मेन 2017, अप्रैल वाले शिफ्ट में आया था, अप्रैल वाले मेंस में आया था। तो चलो एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ध्यान रखो जब भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, एक रफ फिगर एटलीस्ट ड्रॉ कर लो, तो काफी एडवांटेजियस रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है, एक ट्राइंगल एबीसी है, इसका वर्टेक्स है एक 1, 2, ठीक है, एंड मिड पॉइंट ऑफ टू साइड थ्रू इट, वर्टेक्स से दो साइड कौन सी पास करें, ए बी और ए सी, ठीक है। तो ए बी और ए सी का जो मिड पॉइंट है, लेट अस से ए बी का मिड पॉइंट मैं डी मान लेता हूँ और ए सी का मिड पॉइंट ई बोल देता हूँ मैं, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो डी और ई के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, डी के कोऑर्डिनेट लेट अस से -1, 1 मान लेते हैं, तो इसका 2, 3 हो जाएगा, राइट, यही दिया हुआ है। तो आपको इस ट्राइंगल ए बी सी के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको बी और सी के कोऑर्डिनेट पहले निकालने पड़ेंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट मान लो ये x2, y2, और सी के कोऑर्डिनेट आप मान लो x3, y3। चलो मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 + 1/2, इसको किसके इक्वल कर देंगे, -1 के, यहाँ से x2 आ जाएगा -3, फिर d का y कोऑर्डिनेट क्या होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से, y2 + 2/2, बट दिया हुआ क्या d का y कोऑर्डिनेट 1, तो यहाँ से y2 आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फिर चलो यहाँ पे आ जाओ, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट फॉर्मूला से e का x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, x3 + 1/2, बट वो 2 दिया हुआ है, तो वहां से x3 आपका 4 - 1, 3 हो जाएगा। फिर e का y कोऑर्डिनेट y3 + 2/2, और ये किसके इक्वल है 3 के, तो y3 क्या आ जाएगा 6 - 2, 4, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास b के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या आ गए b के कोऑर्डिनेट, बेसिकली x2, y2 -3, 0, और c के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 4। तो आपको करना क्या है, इसका सेंट्रॉइड से कोऑर्डिनेट बताने, ये तीनों कोऑर्डिनेट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बस क्या हो जाएंगे, वैसे जस्ट फॉर्मेलिटी 1 - 3 - 2 + 3 1/3, 2 + 0 + 4 6/3, 2 हो जाएगा,
1/3, 2 सी ऑप्शन टिक कर लूंगा. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. चलो सिक्स क्वेश्चन पे आ जाते हैं. कोई ट्राइंगल है, उसका ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं. मतलब ऑर्थो सेंटर दैट इज एच और जी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और सर्कम सेंटर को यहाँ पे सी बोला है, सर्कम सेंटर ओ को सी बोला है. इफ द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल देन रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग लाइन सेगमेंट ए सी एज डायमीटर. तो पहली चीज यहाँ पे आपको सी दैट इज सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट पता होनी चाहिए. तो आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में, अभी हमने डिस्कस किया था, किसी भी ट्राइंगल में एच ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर कोलिनियर होते हैं. जी डिवाइड एच ओ इंटरनली इन द रेशियो 2:1. तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए, ऑर्थो सेंटर ए से डिनोट किया है. क्या कोऑर्डिनेट्स हैं ऑर्थो सेंटर के? -3, 5. सेंट्रॉइड को बी से डिनोट किया है. सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपके पास 3, 3. सर्कम सेंटर को सी से डिनोट किया. तो इसके कोऑर्डिनेट पहले निकाल लेते हैं. सी के कोऑर्डिनेट कुछ हम मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, और वो फैक्ट यूज करेंगे कि एच जी अपॉन जी ओ 2:1. दैट इज, यहाँ पे मैं बोलूंगा ए बी अपॉन बी सी 2:1. ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो. तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2 इंटू अल्फा हो जाएगा प्लस 1 इंटू -3. ठीक है, 2 इंटू अल्फा और 1 इंटू -3 अपॉन 3, यही हो जाएगा. और ये किसके इक्वल कर दोगे? जो बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 3 के इक्वल कर दोगे. तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 9 + 3, 12/2, 6. अल्फा 6 आ जाएगा, राइट. फिर सिमिलरली सेक्शन फॉर्मूला से जी दैट इज बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 बीटा प्लस 1 इंटू 5, 2 बीटा प्लस 5/3, 2 + 1, 3. और इसको जो सेंट्रॉइड जो जी दिया हुआ उसका वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल करोगे, यहाँ से बीटा आ जाएगा आपके पास 9 - 5, 4/2, 2 हो जाएगा. तो यहाँ से आपके पास सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अल्फा कॉमा बीटा माना था, दैट इज 6, 2. सेंट्रॉइड सी आ गया, सॉरी सेंट्रॉइड मैं कह रहा हूँ, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए इसकी. देन रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एसी एस डायमीटर. तो रेडियस ऑफ द सर्कल विथ एसी एस डायमीटर क्या होगा? डायमीटर का आधा AC/2. तो ए आपको पता है -3, 5. सी पता है आपको, ए पता है आपको -3, 5. सी आपको पता है 6, 2. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे आप, क्या हो जाएगा? √81, 9 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर/2. 81 + 9 क्या हो जाएगा? √90/2. √90 को 9 × 10 लिखोगे तो 3√10/2, या 3 × √10 को लिखोगे √5 × √2, और 2 को लिखोगे √2 × √2. तो कट जाएगा, ये सिंपली आपको बन जाएगा √5/2. यही आंसर आ जाएगा, √5/2. फोर्थ ऑप्शन आप पिक कर देंगे आप. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, अभी स्ट्रेट लाइंस पे आ जाते हैं. तो चलो स्ट्रेट लाइन की हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं. स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स ऑफ दिस लोकस आर ज्वाइंट देन दे डिफाइन अ यूनिक डायरेक्शन. ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आप लोगे और इस पे कोई भी दो पॉइंट लोगे, इसको ज्वाइन करने पे एक हमेशा यूनिक डायरेक्शन मिलेगा आपको. ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होगी. अगर कोई और कर्व ले लिया आपने, सपोज ऐसा कर्व,
तो इस कर्व को कोई भी दो पॉइंट लेके ज्वाइन करोगे तो देखो डायरेक्शन अलग अलग आएगा, इसका डायरेक्शन ये है, इधर लोगे ज्वाइन तो डायरेक्शन अलग है, कुछ और पॉइंट लोगे तो डायरेक्शन अलग अलग आएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए लाइन का इंक्लिनेशन डिफाइन करते हैं, जैसे और लाइन का स्लोप डिफाइन करते हैं। जैसे 3D में आपने देखा होगा लाइन का डायरेक्शन स्टडी करने के लिए आप डायरेक्शन रेशियोज में जाते हो, डायरेक्शन एंगल्स डिफाइन करते हो, डायरेक्शन कोसाइंस देखते हो। वैसे 2D में XY प्लेन में लाइन का पहले हम इंक्लिनेशन डिफाइन करते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। देखो लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है, कोई भी लाइन अगर है, कोई भी लाइन अगर है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ओरिजिन से राइट साइड जाते हुए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव वाला एंगल जो एंगल बनाती है थीटा, दैट इज कॉल्ड द इंटर इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। लाइन का इंक्लिनेशन ऐसे ही डिफाइन करते हो, और ध्यान रखोगे ऑब्वियस है लाइन का जो भी इंक्लिनेशन होगा थीटा वो जीरो से पाई के बीच में होगा, जीरो पे क्लोज पाई पे ओपन, ठीक है। और स्लोप क्या होता है लाइन का, स्लोप एम जो होता है वो सिंपली क्या होता है, ये टैन ऑफ दिस इंक्लिनेशन, ये टैन थीटा इज स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। और लाइन अगर सपोज आपकी x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट से पास कर रही होती है तो उसका स्लोप एम टैन थीटा पैसे भी डिफाइन कर सकते हो, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, ठीक है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा स्लोप डिफाइन होने के लिए ऑब्वियसली थीटा पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, थीटा पाई बाय 2 हो गया तो स्लोप जो होगा टैन पाई बाय 2 वो नॉट डिफाइन होगा। अगर थीटा पाई बाय 2 मतलब ऐसे लाइन वर्टिकल है, अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है या वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। और स्लोप जीरो का मतलब क्या होगा कि लाइन जो होगी आपकी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप जीरो हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2, दो लाइंस अगर हैं तो उनके बीच का जो एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, वो एक्यूट वाला जो एंगल होता है थीटा वो टैन थीटा, और उसका फॉर्मूला ये होता है अगर इस लाइन का स्लोप M1 है और इस लाइन का स्लोप M2 है तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, टैन थीटा ये होता है मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो अगर M1 इक्वल टू M2 हो गया तो tan थीटा जीरो हो जाएगा, मतलब ऑब्वियस है दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और अगर M1 M2 माइनस 1 हो गया तो देखोगे ये tan थीटा यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, tan थीटा नॉट डिफाइन होगा, थीटा पाई बाई 2 होगा, मतलब दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर M1 प्लस M2 जीरो है, मतलब दोनों लाइंस के स्लोप का सम जीरो है, तो मतलब लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये हुआ कि जैसे एक लाइन अगर इधर एक्स एक्सिस से थीटा बना रही है तो ऐसे इक्वली इंक्लाइंड होगी, मतलब दूसरी लाइन कुछ ऐसी होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड, तो देख सकते हो अगर ये थीटा है तो इधर से ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो स्लोप वाला एंगल क्या होगा इसका, पाई माइनस थीटा। तो इस लाइन का स्लोप M1 क्या होगा, टैन थीटा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, M2 टैन पाई माइनस थीटा, दैट इज माइनस टैन थीटा, तो दोनों का स्लोप का सम क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अगर दो लाइन से स्लोप का सम जीरो, मतलब दोनों लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होंगी, मतलब एक इधर से थीटा बनाएगा तो एक नीचे से थीटा बनाएगा। अच्छा अगर M1 M2 1 है तो लाइन में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद द एक्सिस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का देखो मतलब क्या हुआ,
जैसे एक्स एक्सिस है, जैसे एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रही है, इंक्लिनेशन थीटा है, तो जो दूसरी लाइन है उसका इंक्लिनेशन कुछ होगा पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री इंक्लिनेशन होगा। एक अगर थीटा एंगल बना रही तो दूसरा पाई बाई टू माइनस थीटा बनाएगी, तो देख सकते हो सम 90 डिग्री होना चाहिए दोनों के इंक्लिनेशन का। तो इसका स्लोप m1 अगर tan थीटा मानते हैं हम, तो इसका स्लोप m2 क्या हो जाएगा, tan पाई बाई टू माइनस थीटा दैट इज cot थीटा। तो अगर यहाँ से आप प्रोडक्ट लोगे तो m1 m2 क्या हो जाएगा 1, यही चीज लिखी हुई थी। अगर m1 m2 1 है तो लाइन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विथ एक्स है, इंक्लिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री हो, यही मतलब हो। फिर इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन देख लेते हैं। तो इंटरसेप्ट किसी भी लाइन का, इंटरसेप्ट का देखो क्या मतलब होता है कि कोई भी लाइन है, इंटरसेप्ट दो तरह का होता है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, और कोई भी लाइन वाई कोऑर्डिनेट को जहां पे भी काटेगी उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा अल्जेब्रिक डिस्टेंस विद साइन, उसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, यही मतलब होता है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव ऑल्सो। जैसे सपोज ये लाइन है, ऐसी कोई लाइन है, तो देखो कि एक्स एक्सिस को लेफ्ट साइड काट रही है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड काट रही है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा बट वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, किसी भी लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। लाइन का एक्स या वाई इंटरसेप्ट जीरो कब होगा, देखो जब लाइन ओरिजिन से पास हो जाए, अगर लाइन ओरिजिन से पास हो गई तो इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंटरसेप्ट जो भी लाइन का होता है वो विथ साइन होता है। लेंथ ऑफ, अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोला तो वो उसमें मॉड लग जाएगा, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर अगर सिर्फ इंटरसेप्ट वर्ड यूज हुआ है तो इट वुड बी विथ साइन, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इफ अ लाइन हैज इक्वल इंटरसेप्ट देन उसका स्लोप हैज टू बी माइनस वन और लाइन पासेस थ्रू होगी। ये चीज समझिएगा कि अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो देखोगे मतलब एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट है, तो या तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव होके इक्वल होगा या एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों नेगेटिव होके इक्वल होगा। लाइन ऐसी बन सकती है, ठीक है। तो अगर एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव होके इक्वल है तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, ये और ये दोनों 45 हो जाएगा, पाई बाई फोर हो जाएगा। तो इसका इंक्लिनेशन यही होगा पाई माइनस पाई बाई फोर दैट इज 3π/4। तो स्लोप m क्या हो जाएगा इसका, टैन 3π/4 क्या होता है, टैन 3π/4 माइनस वन। सिमिलरली इसके साथ भी स्लोप माइनस वन हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाइन का x और y इंटरसेप्ट दोनों इक्वल हो और जीरो होके इक्वल हो जाए, इसका क्या मतलब होगा, लाइन पासेस थ्रू हो जाएगी। कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों इक्वल होगा और जीरो होगा, इक्वल होके जीरो होगा। तो ध्यान रखिएगा इफ अ लाइन हैज इक्वल इंटरसेप्ट देन या तो उसका स्लोप माइनस वन होगा या लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट है, इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट है, तो फिर ये वाला सिर्फ बोलोगे आप, स्लोप क्या लोगे, माइनस वन। अच्छा, कोई लाइन अगर इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस से या लाइन कट्स ऑफ इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तब उसका स्लोप प्लस माइनस वन होगा। मतलब तब ये चारों केस आ जाएंगे, ये वाला भी आ जाएगा, मतलब इसमें ये दिया हुआ मॉड ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई इंटरसेप्ट, मॉड लगा हुआ, तब उसका स्लोप प्लस माइनस वन भी हो सकता है या फिर वो लाइन ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। चलो फिर अब हम देख रहे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरियस फॉर्म्स लाइन की इक्वेशन हम देखेंगे वेरियस फॉर्म्स में। तो पहला इसमें देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म में देखो बेटा क्या दिया रहेगा,
कोई लाइन है, लाइन पे एक पॉइंट दिया रहेगा और लाइन का स्लोप दिया रहेगा आपके पास, ठीक है। लाइन की इक्वेशन लिखनी है हमें, तो लाइन की इक्वेशन लिखनी है, मतलब क्या लिखना है, लाइन से आने वाले हर एक पॉइंट, लाइन पे आने वाले हर एक पॉइंट x, y, x1, y1 और इस लाइन का जो स्लोप m है उसके बीच में रिलेशन लिखना है। तो लाइन का स्लोप बताओ, लाइन पे कोई भी पॉइंट लोगे x, y और x1, y1 तो दिया ही हुआ है, तो लाइन का स्लोप क्या लिख सकते हो आप, वही वाला लगाओगे y2 minus y1 upon x2 minus x1, ऐसे लिख सकते हो आप, राइट। बट लाइन का स्लोप तो m दिया ही हुआ है, बस यहाँ से लाइन की इक्वेशन आ गई पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y माइनस वाई वन इज स्लोप टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। तो ये लाइन की स्लोप आ जाएगी पॉइंट, सॉरी ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। फिर लाइन की इक्वेशन हम लिखेंगे टू पॉइंट फॉर्म में, टू पॉइंट फॉर्म में देखो क्या होगा, टू पॉइंट फॉर्म में देखो क्या होगा, लाइन पे दो पॉइंट दिया रहेगा आपको, ऑब्वियस आपको पता है दो पॉइंट से एक यूनिक ही लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू, लाइन पे दो पॉइंट दिया हुआ है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो बस इसमें ये हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म देखा था ना, बस यही लगा दो, बस यहाँ पे स्लोप एम की जगह क्या डाल दो, m की जगह ये डाल दो y2 minus y1 upon x2 minus x1, बस इसमें यही चीज डाल दो, पॉइंट स्लोप फॉर्म में m की दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम m निकाल लेंगे y2 minus y1 upon x2 minus x1 से, तो बस आ जाएगा। फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखो क्या दिया होगा, लाइन का स्लोप m दिया होगा, लाइन का स्लोप एम दिया होगा और लाइन का वाई इंटरसेप्ट दिया होगा सी, लेट अस से सी दिया हुआ, स्लोप एम दिया हुआ है और लाइन का वाई इंटरसेप्ट सी दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट सी ध्यान रखोगे ये विद साइन होता है, वाई इंटरसेप्ट सी है मतलब लाइन जीरो कॉमा सी पॉइंट से पास करेगी, कुछ ऐसी इक्वेशन है, स्लोप एम दिया हुआ है, तो लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो लाइन की इक्वेशन बहुत सिंपल है, यहाँ पे, यहाँ पे तो पहले ही वाला लगा दो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लगा दोगे, लाइन पे पॉइंट पता है जीरो कॉमा सी, तो वाई माइनस वाई वन इज स्लोप टाइम एक्स माइनस जीरो, तो वाई क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सी क्या है, लाइन का वाई इंटरसेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में देखो क्या होगा बेटा, बच्चों देखो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट दिया रहेगा, एक्स इंटरसेप्ट ए दिया हुआ है सपोज और वाई इंटरसेप्ट बी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है आपके पास ए और बी, ये विद साइन है, राइट, विद साइन है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ऑल्सो, तो x इंटरसेप्ट ए है मतलब लाइन ए कॉमा जीरो पॉइंट से पास होगी, नॉट माइनस ए कॉमा जीरो नहीं लिखेंगे, ये विद साइन होगा, y इंटरसेप्ट बी है मतलब लाइन जीरो कॉमा बी से पास होगी, बस यहाँ पे टू पॉइंट फॉर्म लगा दो या पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, लाइन का स्लोप लिख लो, स्लोप कैसे लिखोगे, y2 माइनस y1 जीरो माइनस बी अपॉन ए माइनस जीरो, तो लाइन का स्लोप आ गया, पॉइंट पता ही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दोगे, फिर y माइनस वाई वन लेटर से इसके पास करा दे माइनस बी बाई ए टाइम्स x माइनस ए, तो ये क्या आ जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी, तो याद रखने वाले फॉर्म में हम लिख रहे हैं ए बी से डिवाइड कर दोगे, तो देखो क्या आ जाएगा लाइन की इक्वेशन x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू वन, ठीक है, ये आ जाएगा।
चलो ये तो चार, ये इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होगी, ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्म है जेई मेंस पर्सपेक्टिव से। एक और होता है नॉर्मल फॉर्म, ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर्म, जेई मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं है तो आई विल नॉट डिस्कसिंग दिस अभी, टाइम का भी कंस्ट्रेंट है। पैरामेट्रिक फॉर्म भी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर्म जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं डिस्कस कर रहे। डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी बहुत सिंपल है लाइन की इक्वेशन, सपोज दो पॉइंट है ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू, इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट पी ले लो एक्स कॉमा वाई, और हमेशा कोलिनियर होंगे तीनों पॉइंट ए बी और सी, तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लगा दो इन तीन पॉइंट का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी जीरो कर दोगे तो यही चीज आ जाएगी। अच्छा जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। कहीं पे भी आपको लीनियर इक्वेशन दिखे, डिग्री वन की इक्वेशन दिखे इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। ये लाइन की जनरल इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की। ध्यान रखिएगा ए एंड बी, ए बी सी दे मस्ट बी रियल नंबर एंड ए एंड बी शुड नॉट बी साइमल्टेनियसली जीरो, ए और बी दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकता। देखो क्यों, अगर ए और बी दोनों साथ में जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई तो जीरो हो जाएगा, सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एब्सर्ड की चीज आ जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा अगर ये लाइन दी हुई है जनरल इक्वेशन है तो इससे आप स्लोप भी निकाल सकते हो। देखो स्लोप कैसे निकालोगे, dy को एक साइड कर लो माइनस ax माइनस, इसको हम y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखे, b से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो देखोगे ये लाइन का स्लोप आ गया माइनस a बाई बी, माइनस a बाई बी याद रखोगे कैसे, माइनस टाइम्स कोफिशियंट ऑफ a क्या है कोफिशियंट ऑफ x और b क्या है कोफिशियंट ऑफ y। ठीक है, ये होगा और माइनस सी बाई बी इसका वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखोगे तो। अच्छा इसका एक्स इंटरसेप्ट बता सकते हो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जनरल इक्वेशन है लाइन की, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू जीरो, वाई जीरो डालोगे तो एक्स क्या आ जाएगा आपको माइनस सी बाई, तो ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है चलो फिर देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। तो कोई लाइन दिया हुआ है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, स्लोप इसका पता है माइनस ए बाई बी होगा, तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन की इक्वेशन आप क्या लिखोगे, तो बहुत सिंपल सी चीज है, इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन की इक्वेशन लिखने तो ऑब्वियस है स्लोप सेम होगा, माइनस ए बाई बी होना चाहिए, तो ये वाली चीज तो इसमें भी आएगी। और बस क्या करोगे, कांस्टेंट से डिफर करा दोगे, सी की जगह कुछ नया कांस्टेंट डी होगा। ध्यान रखोगे दो लाइंस अगर पैरेलल है तो दे विल जस्ट डिफर बाई अ कांस्टेंट, कांस्टेंट से डिफर करेगी। अच्छा इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, तो बताओ L के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन अगर होगी तो उसका स्लोप अगर माइनस ए बाई बी है तो एम वन एम टू माइनस वन करोगे तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए, बी बाई ए, राइट, मतलब माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ y करोगे तो बी बाई ए आना चाहिए। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे आप समथिंग x प्लस समथिंग y करोगे और इस तरह से करोगे कि स्लोप क्या निकल के आ जाए, बी बाई ए। तो देखो क्या करते हैं, आप एक्स प्लस बी वाई यहाँ पे था तो यहाँ पे x और y का कोफिशियंट इंटरचेंज कर दो, बी एक्स प्लस ए वाई कर दो, बी एक्स और ए वाई कर दो। अच्छा और बीच में यहाँ प्लस था तो यहाँ पे साइन इंटरचेंज कर दो माइनस, और कांस्टेंट से कुछ डिफर करा दो नया कांस्टेंट भी कर दो। तो देखोगे अब यहाँ पे स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बी है और कोफिशियंट ऑफ वाई क्या माइनस है, तो देखो बी बाई ए आ जाए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक इस पे भी बेस्ड जेईई मेंस में क्वेश्चन आया, अभी करेंगे।
कोई भी लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, इसके परपेंडिकुलर आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी, क्या करो x और y का कोफिशियंट इंटरचेंज करो और बीच में प्लस की जगह माइनस कर दो, बस ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो कोई भी पॉइंट है सॉरी कोई भी लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो और कोई भी पॉइंट है p x1 कॉमा y1, ठीक है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है मुझे, ये d होगा, d मान लेते हैं, अगेन प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, जिस फॉर्मूला जे मेंस पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस कर रहे हैं, बस क्या करो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, आप क्या करो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में डालो और अंडर रूट ऑफ x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड करके उसके अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दो और सिंस डिस्टेंस है तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव तो मॉड लगा दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला मिल गया हमें, ठीक है। अच्छा फिर एक और फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो ध्यान रखोगे दो लाइन्स है मेरे पास पैरेलल है, ध्यान रखिएगा पैरेलल लाइन्स है मतलब स्लोप सेम होगा, तो अगर ये लाइन L1 है मेरे पास ax प्लस by प्लस लेट अस से c1 इक्वल टू जीरो और ये लाइन है लेट अस से L2 मेरे पास ax प्लस by प्लस, देखो पैरेलल है तो बस कांस्टेंट से डिफर करेगी, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है ये d। देखो कैसे निकालेंगे, चेन्नई से इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का वही डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस मैं सपोज क्या करता हूँ L2 पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ x1 कॉमा y1 और कहना इसे इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में वही डिस्टेंस होगा जो डिस्टेंस L2 पे जो पॉइंट P लिया था इस पॉइंट का इस लाइन से होगा, वही सेम ही बात है ये भी d होगा। अब हम क्या करें, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला तो हमें पता है वही लगा दे रहे हैं, d वुड बी इक्वल टू x1 y1 का L1 से क्या डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ x1 y1 को L1 के कोऑर्डिनेट इक्वेशन में डालेंगे, मॉड लगाएंगे ax1 plus by1 plus c1 upon under root of a square plus b square, ठीक है। अच्छा x1 y1 जो है, now x1 y1 जो पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन L2, x1 y1 अगर L2 पे लाई कर रहा है तो L2 की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो a x1 plus b y1 plus c2 जीरो होना चाहिए, what is a x1 plus b y1 minus c2, right, तो बस a x1 plus b y1 की जगह यहाँ पे डाल दो minus, बस दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b, ये आ जाएगा दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला। नेक्स्ट आ जाते हैं कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस, देखो तीन लाइन कॉन्करेंट है इसका देखो क्या मतलब है कि तीनों लाइन एक पॉइंट से पास करें, मतलब सपोज ये लाइन L1 है अगर दूसरी लाइन L2 है a2x plus b2y plus c2 equal to zero और तीसरी लाइन L3 है a3x plus b3y प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो, इफ दीज थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट मतलब ये तीनों लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए,
तो देखो क्या कंडीशन कैसे निकालेंगे, क्या करो आप कोई भी दो लाइन को पकड़ के सॉल्व कर लो, लेट अस से आप L1 और L2 को पकड़ के उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो और तीसरी लाइन को उससे पास करा दो, तो कंडीशन निकल के आ जाएगी। ध्यान रखोगे ये कंडीशन निकल के आती है, ये वाली, डिटरमिनेंट ऑफ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है। अच्छा एक चीज ध्यान रखोगे कि अगर तीन लाइंस कॉन्करेंट है, इफ थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट देन ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब अगर तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो ऐसा होगा, उल्टा कोई जरूरी नहीं ट्रू हो, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। मतलब कि अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है तो this doesn't imply कि थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट, ये कोई जरूरी नहीं है, उल्टा कोई कन्वर्सली कन्वर्स भी ट्रू हो इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, अगर सपोज मैंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इफ इट विल रेन शी विल नॉट कम टू द क्लास, मतलब अगर बारिश होगी तो वो क्लास नहीं आएगी, तो इसका जो कन्वर्स होगा कि अगर वो क्लास नहीं आई है तो क्या कैन आई कंक्लूड कि बारिश हो रही होगी, आई कैन नॉट कंक्लूड। ठीक है, कन्वर्स कोई जरूरी नहीं यहाँ पे ट्रू होगा, इफ देन स्टेटमेंट है, ये आपने मैथमेटिकल रीजनिंग टॉपिक में भी पढ़ा होगा, तो देख सकते हो अगर ये डिटरमिनेंट जीरो है तो कोई जरूरी नहीं तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, तो तीनों लाइन पैरेलल भी हो सकती है या कोइंसिडेंट भी हो सकती है, तब भी ये डिटरमिनेंट जीरो हो सकता है। जैसे देखो अगर मैंने तीन लाइन पैरेलल तीन लाइन ले ली है, AX+BY+C1=0, AX+BY+C2=0 और AX+BY+C3=0, तीनों लाइन पैरेलल है, सिर्फ कांस्टेंट से डिफर कर रही है, तो इसमें भी अगर आप डिटरमिनेंट निकालोगे वो A1 B1 C1 वाला, तो क्या लिखोगे AB C1 AB C2 AB C3। तो देख सकते हो इस डिटरमिनेंट में कॉलम वन और कॉलम टू आइडेंटिकल है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो जीरो हो जाएगी, यहाँ पे भी ये चीज जीरो हो रही, बट यहाँ पे थोड़ी है तीनों लाइन कॉन्करेंट थोड़ी है, यहाँ पे तीनों लाइन पर पैरेलल है। चलो लास्ट यहाँ पे टॉपिक पे आ जाते हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन नाम से पता चल रहा है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब हुआ, इट इज बेसिकली फैमिली वर्ड यूज हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये होता है इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ लाइन, फैमिली है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ लाइंस है, और फैमिली है मतलब दे हैव सम कनेक्टिंग लिंक, उन सभी ग्रुप ऑफ लाइंस में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो इट इज कलेक्शन ऑफ लाइंस विच शो सम कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ कॉमन लिंक होना चाहिए, कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि एग्जांपल मैंने दिया फैमिली ऑफ लाइन विथ स्लोप टू, फैमिली ऑफ लाइंस विथ स्लोप टू। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं वो y इंटरसेप्ट फॉर्म में, मैं लिख रहा हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो स्लोप 2 है y=mx+ y इंटरसेप्ट मैं c मान लेता हूँ। तो देखो ये आपको लिखा हुआ है फैमिली ऑफ लाइन विथ स्लोप 2, वेयर यहाँ पे c इज द पैरामीटर, मतलब c को वैरी कराते जाओगे तो आपको इस फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स मिलते जाएंगे, जैसे c को जीरो करोगे तो आपको क्या मिलेगा y=2, c को 1 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा y=2x+1, c को 2 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा y=2x+2, c को 3 डालोगे तो y=2x+3। देखो सभी लाइन पैरेलल होंगे, c को -1 डालोगे तो y=2x-1। तो ये क्या लिखा है, फैमिली ऑफ लाइन विथ स्लोप 2, फैमिली ऑफ रादर पैरेलल लाइंस, कनेक्टिंग लिंक है, दे आर ऑल पैरेलल विद स्लोप टू। तो जैसे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे लिखना है एग्जांपल फैमिली ऑफ लाइन विथ वाई इंटरसेप्ट टू,
मतलब y इंटरसेप्ट 2 है, मतलब सभी लाइन 0.2 पॉइंट से पास होगी, मतलब 0.2 पे कॉन्करेंट होगी। देखो बहुत सारी लाइन होगी जो 0.2 से पास होंगी, इनफाइनाइट लाइन होंगी, ज्यादा एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन बना सकते हो। तो सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, सबका वाई इंटरसेप्ट 2 होगा या सभी लाइन 0.2 पॉइंट पे कॉन्करेंट होंगी। क्या इक्वेशन लिख सकते हो इनकी फैमिली की, y इक्वल टू एम एक्स और y इंटरसेप्ट जो c होता है वो 2 है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस c, यही हो जाएगा। तो ये मतलब होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे पास दो लाइंस हैं, नॉन पैरेलल लाइंस हैं, l1 इक्वल टू 0 और l2 इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली दो लाइन नॉन पैरेलल है, तो दे विल पास थ्रू अ पॉइंट P, इंटरसेक्ट थ्रू एट अ पॉइंट P। अब बताओ L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज P से आप कितनी लाइन पास करा सकते हो, इनफाइनाइट लाइन पास करा सकते हो। एंड कैन आई से दे ऑल विल फॉर्म अ फैमिली, फैमिली बनाएंगी, क्योंकि सभी का एक कॉमन कनेक्टिंग लिंक है, कॉमन प्रॉपर्टी है। क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, कि वो सभी लाइन, ये सभी लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज पॉइंट P से पास कर रही है। तो उन सभी फैमिली ऑफ लाइंस की आप इक्वेशन लिख सकते हो, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये लिख सकते हो, वेयर लैम्डा इज द पैरामीटर, मतलब लैम्डा वेरी कराते जाओगे तो आपको इस फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स मिलते जाएंगे। लैम्डा 1 पे सपोज ये लाइन मिल गई, लैम्डा 2 पे कोई और लाइन मिल जाएगी, लैम्डा 3 पे आपको इस फैमिली का कोई और मेंबर मिल जाएगा, तो ये होता है, ठीक है। तो चलो थ्योरी वाइज इतना ही था, अब चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, जेई मेंस के पास्ट रिसेंट में जो आया। चलो चलो लेट सी बी द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस दिस दिस। तो चलो सेंट्रॉइड लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट सेक्शन, सॉरी वो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 3 + 1 = 4 + 2 = 6/3 आ जाएगा 2, राइट, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, चलो वी आर बैक। तो चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये 7 क्वेश्चन पे थे हम लोग। लेट सी बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 3, -1, 1, 3 और 2, 4। तो जल्दी से सेंट्रॉइड सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, 3 + 1 = 4 + 2 = 6/3 2 हो जाएगा। एक सेकंड, ठीक है, सेंट्रॉइड सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके पास, तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 - 1 = 2 + 4 = 6/3 फिर से 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड लेट पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। ये लाइन है आपके पास x + 3y - 1 = 0 और 3x - y + 1 = 0। इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है पहले, तो पहली लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, x + 3y है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x + 9y - 3 = 0, और ये दूसरी लाइन है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 2 कर दो, 3x कटेगा, 10y = -3 - 1 - 4, तो 4 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5/2, y 5/2 आ गया तो x निकाल सकते हैं आप, x क्या आ गया 1 - 3y, 1 - 15/2, नहीं सॉरी x आपका क्या हो जाएगा 1 - 3y
तो वाई आपका आ गया 5/2 सॉरी 10y = 4 है तो वाई सॉरी 2/5 है, y आपका 2/5 आ गया। तो यहाँ से आप x निकाल सकते, व्हाट इज x 1 - 3y, तो 1 - 6/5 तो -1/5 x आ गया -1/5 तो आपके पास t आ गया, t क्या आ गया -1/5, 2/5 ठीक है। L1 और जो भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू C एंड P, तो P के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, C के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो C और P पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है। आप टू पॉइंट फॉर्म लगा दो, या पहले चलो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होगा CP का, 2 - y2 - y1 / x2 - x1 2 + 1/5 तो 10 - 2 क्या हो गया 7/10 + 1 7/11 स्लोप हो जाएगा, नहीं सॉरी 10 - 2 8/11 स्लोप आ गया। पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख दो, y - 2 इज 8/11 टाइम x - 2, यहाँ से आ जाएगा 8x - 11y = -22 + 60 - 6। तो अब इक्वेशन तो आ गई, अब देन द लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी, अब ये जो लाइन है ये आपको पता लगाना, ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। अब ये ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पॉइंट जो भी है वो इस लाइन पे सेटिस्फाई करेगा। चलो ए ऑप्शन चेक करते हैं, -9, -6 8 - -9 - 11 - 6 तो क्या होगा -72 + 66 - 6 देखो सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन सिंगल करेक्ट है तो बाकी ऑप्शन अब हम चेक करेंगे नहीं, डायरेक्टली इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, 8th क्वेश्चन, ये इसी ईयर आया था, 7 जनवरी वाले मेंस में आया था ये। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन x = 2y टू द लाइन x = y। तो देखो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटर आपको यहाँ पे दिखेगा क्या हो रहा है, ठीक है। चलो ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन x = 2y, तो देख सकते हो x = 2y कैसी लाइन है, इसको ऐसे लिखेंगे y = x/2। mx plus c से कंपेयर करेंगे तो c जीरो है, मतलब लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और स्लोप क्या है इसका हाफ है, तो कुछ ऐसी लाइन होगी, ठीक है। ये लाइन है आपकी, x = 2y, तो दूसरी लाइन क्या है y = x, तो ये अगेन ये भी ओरिजिन से पास करेगी और इसका स्लोप 1 है, ज्यादा स्लोप है राइट, स्लोप इसका ज्यादा है, तो ये बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाएगी, तो टैन 45 1 है, स्लोप 1 है इसका, ये लाइन है y = x, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन x = 2y इस लाइन पे किसी भी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉप किया, x = y लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है मान लेते हैं PQ, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना, तो सिंपल सी चीज है, लोकस निकालने के लिए पहली चीज थंब रूल ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज का लोकस निकालना है उसको h, k मान,
एम के कोऑर्डिनेट्स आप मान लो एच कॉमा के, लास्ट में एच को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, के को वाई से रिप्लेस कर देंगे, राइट। अच्छा पॉइंट पी एक्स इक्वल टू टी वाई लाइन पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट पी का अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट अल्फा मानता हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट टू वाई क्या हो जाएगा, टू अल्फा, ठीक है। और क्यू पॉइंट वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई करता है, तो इसका अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट बीटा मानूंगा तो वाई कोऑर्डिनेट भी बीटा हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलो अब एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो एम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, टू अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा, राइट। तो यहां से टू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, टू एच के। फिर सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा बाई टू ये किसके इक्वल होगा, के के, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, टू के, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर्स माने हैं अल्फा और बीटा, तो लास्ट में लोकस के लिए इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा क्या आ जाएगा, 2h माइनस k। ठीक है, ये अल्फा आ गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पे बीटा भी निकाल सकते हो, बट ठीक है अभी मैं नहीं निकाल रहा हूँ बीटा। अच्छा अब ये देखो, ये जो लाइन PQ है, ये जो लाइन PQ है, ये y इक्वल टू x के परपेंडिकुलर है, राइट। तो कैन आई से अगर y इक्वल टू x लाइन का स्लोप क्या है, वन, तो ये PQ का स्लोप क्या होगा, माइनस वन। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, माइनस वन। ध्यान रखोगे पी क्यू वाई इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर है, एक्स इक्वल टू टू वाई के नहीं है परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, माइनस वन। अच्छा स्लोप ऑफ पी क्यू मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ पी क्यू सेम एज स्लोप ऑफ एम पी, सेम लाइन है तो स्लोप सेम होगा। स्लोप ऑफ एम पी क्या होगा, k माइनस अल्फा अपॉन एच माइनस टू अल्फा, और ये माइनस वन के इक्वल है, तो माइनस एच प्लस टू अल्फा इज इक्वल टू k माइनस अल्फा। तो देखो यहां से अल्फा की वैल्यू आ रही है एच प्लस के बाई थ्री, ठीक है, और यहां से अल्फा की वैल्यू ये आई थी, बस हमें क्या करना है, दोनों से जो अल्फा की वैल्यू आई है वो इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दोगे दोनों को तो क्या बनेगा, ये ट्वाइस एच माइनस के इज इक्वल टू एच प्लस के बाई थ्री। तो यहां से क्या होगा, सिक्स एच माइनस सिक्स के इज एच प्लस के, तो यहां से क्या आएगा, फाइव एच इज इक्वल टू सेवन के, राइट। लास्ट में लोकस के लिए क्या बताया था, एच को एक्स से रिप्लेस कर दो, के को वाई से, 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7y, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो एक नाइन्थ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो कॉन्स्टेंट से बस डिफर करा दो, प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/5 फ्रॉम द ओरिजिन। अब इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो, पहले 0, 0 डालो, लैम्डा अपॉन 5, और ये ओरिजिन से कितने यूनिट की डिस्टेंस है, 5 यूनिट की डिस्टेंस है, राइट, 5 5 कट जाएगा, यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस 3, ठीक है, प्लस माइनस 3 वैल्यू आ जाएगी, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगा, 4x माइनस 3y, एक बार लैम्डा 3 रखोगे तो एक इक्वेशन आएगी, और एक बार लैम्डा माइनस 3 रखोगे
ये क्वेश्चन है। तो अब पता लगाना है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन एनी ऑफ दीज लाइन। अब चार डाल के चेक करते हैं, माइनस वन बाई फोर कॉमा टू बाई थ्री, इसमें लेटर से डाल के चेक करते हैं। तो फोर इंटू माइनस वन बाई फोर माइनस थ्री इंटू टू बाई थ्री प्लस थ्री, देखते हैं क्या आ रहा है। तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री प्लस थ्री, देखो जीरो सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो ए ऑप्शन चेक करना है। तो आगे सिंगल करेक्ट है तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन ये जेईई मेन 2015 में था, ये डिस्कस कर लेते हैं। लोकस ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट टू कॉमा थ्री इन द लाइन दिस प्लस लैम्डा टाइम दिस। देखो ये उसी फॉर्म का है, फैमिली ऑफ लाइन और लोकस का मिक्स क्वेश्चन है। एल वन प्लस के एल टू टाइप इक्वल टू जीरो, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। एल वन प्लस के एल टू इक्वल टू जीरो, देखो क्या रिप्रेजेंट करेगा। सपोज ये लाइन है एल वन इक्वल टू जीरो, और सपोज ये लाइन है L2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो L1 प्लस K L2 इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। बहुत सारी लाइंस होंगी, हर एक लाइन का उस फैमिली के हर एक मेंबर का हम क्या कर रहे हैं, 2.3 पॉइंट का उसके अबाउट इमेज लेते जा रहे हैं। तो इमेज वाला जो पॉइंट होगा वो किस पाथ पे लाई करेगा वो निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। फर्स्ट फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लेते हैं, 2x माइनस सी वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, x माइनस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन वन है, इसको लेटर से टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वन माइनस टू, टू एक्स कटेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी टू आ जाएगी। y2 किसी में भी डाल दोगे तो x आ जाएगा आपके पास 1। तो पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 1, 2। तो ये जो L1 plus KL2 equal to 0 क्या दिया हुआ है, फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, दैट इज पॉइंट P से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइंस होंगी। बहुत सारी लाइन पास करेंगे पॉइंट पी से, और हर एक लाइन का हम क्या कर रहे हैं, 2.3 पॉइंट का उस लाइन के अबाउट इमेज ले रहे हैं। तो इमेज का लोकस क्या हो, तो बस मैं क्या कर रहा हूँ, इस फैमिली का कोई एक मेंबर पकड़ लो, मतलब 1.2 से पास होने वाली कोई भी लाइन पकड़ी मैंने, राइट, कोई एक लाइन पकड़ ली। अच्छा ये 2.3 पॉइंट पकड़ा है, ठीक है, 2.3 का इसके अबाउट जो इमेज होगा उसका लोकस निकालना, ये ए डैश इसी का लोकस निकालना, ये इमेज है, इमेज का मतलब परपेंडिकुलर होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होगा। तो देखोगे ध्यान से, कैन आई से अगर मैं एपी को ज्वाइन कर देता हूँ और ए डैश पी को ज्वाइन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, और इस पॉइंट को एम मान लेता हूँ, तो कैन आई से टीएम जो होगा वो ए ए डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब कैन आई से ये दोनों ट्रायंगल बेसिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल पीएमए इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट एंगल ट्रायंगल पीएमए डैश, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे, कॉमन साइड है, ये एंगल 90 डिग्री और ये इक्वल टू ये है, एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो सीपीसीटी से कैन आई से पीए इक्वल टू पीए डैश होगा, राइट। तो कैन आई से ए डैश का जो पी से डिस्टेंस होगा वो एपी के इक्वल होगा, एंड व्हाट इज एपी, एपी क्या है, अंडर रूट ऑफ
1 + 1 root 2. तो देखोगे ध्यान से, पॉइंट ए डैश जो है उसका इस फिक्स पॉइंट 1, 2 से डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट आया है रूट टू. क्या मतलब हुआ? दिस इंप्लाइज लोकस ऑफ ए डैश जो होगा, ए डैश का किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है. तो ये तो किसका लोकस हो जाता है, सर्कल का. लोकस ऑफ ए डैश इज अ सर्कल विथ, ये 1, 2 क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा. इज अ सर्कल विथ सेंटर 1, 2 एंड रेडियस क्या हो जाएगा, रूट टू. सर्कल ऑफ रेडियस रूट टू, ये ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, तो चलो दिस वाज इट गाइस. I hope you would benefit from this webinar of a straight line. I have tried to cover all the topics which have been asked in the last 5 years. So, ठीक है, एक बार आप लोग इसको revise करो. I think I have covered most of the things, and all the best for your JEE Mains and JEE Advanced, hopefully. Bye bye.